नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और बात करेंगे कोरोना के नए अपडेट को लेकर। लेकिन हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हुए हैं और मैं सीधा लेकर चलता हूं सतीश झा, जो बीजेपी का हमेशा पक्ष रखते हैं और आज इनसे बात करेंगे ऐसे हालात में, क्योंकि ग्राउंड पे तो जा नहीं सकते लेकिन ऑनलाइन उनके साथ जोड़ लेते हैं। सतीश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बताएं कैसे हैं सतीश जी। बढ़िया बढ़िया। और लॉकडाउन में घर पे कैसे रह रहे हैं, पूरी एहतियात बरत रहे हैं सुरक्षा का? लॉकडाउन में पूरा घर पे रह रहे हैं, घर से और सब आदमी घर पे रह रहे हैं, कोई आदमी घर से नहीं निकल रहे हैं और पूरा सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। जी। और आस पड़ोस में सब लोग ध्यान रख रहे हैं अपना? मैक्सिमम आदमी 99% आदमी ध्यान रख रहे हैं, जो सरकार का निर्देश है उसको पालन कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, पालन करना चाहिए और सब सरकार का निर्देश का पालन कर रहे हैं। सर मेरे कुछ सवाल हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी को लेकर। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले खबर भी की थी, पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत सारे मजदूर हैं जो लोग पैदल ही जा रहे हैं बेचारे अपने घरों की तरफ, और अगर बस भी आ रही है तो वो सरकारी कर्मचारी का आई कार्ड देखकर उनकी एंट्री करा रही है। सर ये किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, सरकार इस पर इतनी गंभीर क्यों नहीं है? आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। मैं अभी अभी की घटना बताऊं, दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पे यूपी सरकार ने 100 बसें लगा दी है। लाल कुआं गाजियाबाद पर पुल के नीचे में 50 बसें खड़ी है और यूपी सरकार पूरे दिल्ली एनसीआर से जितने पूरब की तरफ जाने वाले आदमी है सबके लिए आज बसें लगा चुकी है। और सड़क पे जो सड़क पे लोग जा रहे हैं उनको खाना खिलाने के लिए प्रबंध की गई है। इसलिए आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी सही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जो सड़क पे हाईवे पे लोग जा रहे थे, बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष पर जिम्मेवारी डाली है कि अपने अपने मंडल अध्यक्ष अपने अपने एरिया में सारे राहगीर को खाना खिलाएं। एक मंडल, आपको मैं बताऊं, एक विधानसभा में कम से कम 10 मंडल होते हैं, तो पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और लोगों को जो हाईवे पर जा रहे हैं उनको खाना खिला रहे हैं। जहां तक आपने भीड़ की बात करी थी वो कल तक आपकी बात सही है, लेकिन आज आनंद विहार बस अड्डे पे 100 बसें योगी आदित्यनाथ ने भेज दी है, लाल कुआं पे भेज दी है। अब किसी को पैदल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार इस पर पूरा तत्पर है। सर आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन लोग कहीं 100 किलोमीटर दूर चल के अपने घर जो जा रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही सरकार? ये लोग इस तरह से रोड पर चल रहे होंगे, बीमारी भी इससे बढ़ सकती है और लोग जो थक रहे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, खाना खिला देना सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, वो तो आम लोग भी खिला रहे हैं जो लोग जहाँ लोग गुजर रहे हैं। आपने सुना नहीं, मैंने यही कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने आनंद विहार बस अड्डे पे 100 बसों की इंतजाम करी है, पूरब के तरफ जाने वाले सभी लोगों के लिए बसों की इंतजाम की गई है, गाजियाबाद में लाल कुआं पे की गई है। जो आदमी पैदल चल चुके थे उन्हें रास्ते से उठाया जा रहा है, बस से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा तो होता कि लोग जाते ही नहीं, निकलते ही नहीं घर से, लेकिन चलिए कुछ आदमी मजबूरी में निकले हैं तो सरकार पूरी तत्पर है और उन लोगों को बस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पुलिस को बोल दिया गया है कि 100 नंबर या 112 नंबर पर यदि कॉल आता है तो उन्हें आप पहुंचाएंगे अपनी गाड़ी से, उन्हें खाना खिलाएंगे। पूरी देश में हर सरकार, हर राज्य सरकार तत्पर हो गई है, केंद्र सरकार तत्पर हो गई है। इसलिए जो आपकी जानकारी है ये पुरानी जानकारी है आपकी। लेकिन सर पुलिस तो उन पर भी लाठियां चला रही है, जो लोग बेचारे सामान खरीदने जा रहे हैं, दवाई खरीदने जा रहे हैं, पुलिस तो उन पर भी लाठियां चला रही है। ऐसे में पुलिस के पास वो कैसे मदद के लिए जाएंगे? वो तो डर रहे हैं, पुलिस को देखते ही भाग जाते हैं। आपको मैं कल निकला था बाहर, क्योंकि मेरे पास कर्फ्यू पास है, अभी मैं कर्फ्यू पास भी दिखलाऊंगा आपको। तो एक आदमी से मैंने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सन्नाटा देखने जा रहा हूं। तो जो सन्नाटा देखने जा रहे हैं, जो मस्ती करने जा रहे हैं, उन पे लाठी चलाना पुलिस का दायित्व है। और अधिकतर लोग, जब आपको मोहल्ले में ही सब्जियां मिल रही हैं, मोहल्ले में ही राशन मिल रहा है, मोहल्ले में दूध मिल रहा है, मोहल्ले में ब्रेड मिल रहा है, सरकार सब उपलब्ध करा रही है, तो आप बाहर जाने की जरूरत आपको क्या है? जब सब सरकारी दफ्तर बंद है आप कहां बाहर जाते हैं? सारे मॉल बंद है, सारे सिनेमा हॉल बंद है, सारे स्कूल बंद है, तो आप बाहर जाने की आवश्यकता क्या होती है? फिर भी यदि आपको आवश्यकता है तो मैं आपको बताऊं, मैं परसों ही, ये देखिए, ये कर्फ्यू पास हर जिला, पूरे राज्य में, पूरे देश में जिला प्रशासन कर्फ्यू पास बना रही है। यदि आपके पास जरूरी हो, अत्यंत जरूरी हो, आपका कारण सही हो, तो सरकार ये पास इशू कर रही है, जो मुझे परसों ही पास मिला है। सर एक चीज और भी सामने आ रही है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। हेलो जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी। तो आपको यदि बहुत ज्यादा जरूरी लगता है तो इस तरह की पास बनाए, जिला प्रशासन ये पास देती है, मुझे भी दिया गया है, और आप पास लेके जाइए, बात खत्म जी।
सर एक चीज़ और सामने आ रही है, मैंने अभी काफ़ी सारे लोगों से बात की थी और मेरे पास कई सारे कॉल आए, कुछ मजदूर ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पर जो फैक्ट्री इलाका है बेचारे वो निकल नहीं पाए और अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में कैसे पूरी तरह से सरकार जिम्मेदारी उठा सकती है सबकी, सर सबके पास तो नहीं पहुँच पा रही है, ऐसे लोगों का क्या होगा जो लोग बंद हैं घरों में डर की वजह से निकल भी नहीं रहे हैं, उन्हें डर है कि बाहर निकलेंगे पुलिस या तो लाठी बरसाएगी या फिर उनके पास पैसे भी नहीं है। आपने आपने जो प्रश्न पूछा है उसी प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। पूरे देश में यह घोषणा की गई है कि यदि कंपनी बंद हो गई है, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो फैक्ट्री मालिक की, कंपनी मालिक की जिम्मेवारी है कि वो पैसा नहीं काटेगा, और कोई भी मजदूर यदि खाना के लिए नहीं है तो उस जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी उसे खाना प्रोवाइड कराएगी। गाजियाबाद में दो बिल्डर पर नोटिस हो चुका है क्योंकि उन्होंने लेबर को खाना नहीं दिया था, तो गाजियाबाद प्रशासन ने दो बिल्डर को नोटिस किया है, एक घंटे के अंदर में उन्हें खाना उपलब्ध कराया गया है। यदि देश में किसी के पास भी इस तरह की समस्या आती है तुरंत एक जो सबसे बड़ा सवाल इसमें उनके मालिक को, उनके फैक्ट्री मालिक को, उनके जहां वो काम करते हैं उनको मजबूर करेगी, 24 घंटे के अंदर में उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। एक बड़ी दिक्कत आ रही है, देखिए कुछ लोग अपने आप से भी मदद कर रहे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशान कर रहा है, उन लोगों को रोक रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मोहल्ले में कुछ लोग ने जिम्मेदारी ली है, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं और जो भी कोई हो, पुलिस उनको क्यों रोक रही है? पुलिस किसी भी जेन्युइन कारण वाले को नहीं रोक रही है, मैंने आपको भी बताया है। यदि आप मदद करना चाहते हैं आप डीएम के पास जाइए, डीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास इशू हो जाएगा आपको, पास आप गले में पास लगाइए, आप जाइए जिला प्रशासन ने, पूरे देश में जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था कायम करी है, आप व्यवस्था को पालन क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप कानून का सम्मान कीजिए और फिर आप घर से निकलना ही क्यों चाहते हैं? ये 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, मेरी बात सुनिए आप, 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। यदि आप 20 साल 25 साल के बाद अपने नाती पोते को कहानी सुनाना चाहते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन हमने झेला था, तो आपको घर में रहना पड़ेगा। यदि आप कहानी नहीं सुनाना चाहते, अच्छा जो निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा जी, तो इसलिए आप घर में रहिए। हेलो, आप घर में रहना चाहिए आदमी को, बताएं। मैं कह रहा हूँ निर्मला सीतारमण जी ने जो राहत पैकेज की घोषणा की है 1.7 लाख करोड़ रुपया, उन्होंने कहा कि चेक से पैसा भेजे जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास खाते नहीं है, जो गरीब है और जो रोड पर फिलहाल मौजूद है, इधर उधर फंसे, उन तक कैसे मदद पहुंचेगी? कैसे मदद पहुंचेगी? यदि 7 करोड़ आदमी को 3 सिलेंडर मुफ्त दी जा रही है तो पहले से इसका रिकॉर्ड है। 13 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला था, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जनधन खाता खुलवाई थी, रोड पे पकड़ पकड़ के आदमी को सबके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। जो ईएमआई किस्त देते थे मकान का, उनका 3 महीने का किस्त का डेट बढ़ा दिया गया है, इनकम टैक्स का बढ़ा दिया गया है, जीएसटी का बढ़ा दिया गया है, जो पेंशन दिल्ली में 2000-2500 मिलता था उसे 5000 कर दिया गया है। आपने बैंक की बात की, मैं रोककर एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, बैंक मैंने बात की है बैंक से, जिन लोगों की एमआई कटनी थी आज तक भी एमआई कट रही है और अभी तक बैंक ने अपडेट नहीं किया, ये क्या कारण है जबकि घोषणा कल हो गई थी? आपको फिर आपको बोलूंगा कि आप पूरा अप टू डेट नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कल घोषणा करी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उन्होंने अभी सुबह में घोषणा करी है और सारे बैंक को चिट्ठी लिख दिया गया है कि 3 महीने तक ईएमआई नहीं मांगा जाएगा और इसके कारण किसी के भी क्रेडिट स्कोर कम नहीं होगा। ये अस्पष्ट नहीं, जब आरबीआई कर चुका है तो आरबीआई के अंडर चलेंगे ना सारे बैंक, तो आरबीआई ने अगर घोषणा कर दी थी तो बैंक को तो कल से ही अप्लाई करना चाहिए। आज से अप्लाई हो गई ना, मैं बताया ना, स्टेट बैंक के चेयरमैन का आज स्टेटमेंट आ गया है, हर बैंक के पास नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है। बोलिए बोलिए, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए, उनका क्रेडिट स्कोर भी कम नहीं किया जाएगा। हेलो, सारे बैंक के पास नोटिस पहुंच चुकी है और 3 महीने तक उनको कोई किस्त नहीं देना है, 3 महीने के बाद शुरू होगा किस्त, उनका क्रेडिट स्कोर कम नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जो ये दिल्ली में किराया नहीं ले रहे हैं मकान मालिक, इनको बोला गया, क्या ये देश में पूरे देश में लागू किया जाएगा? देश में लागू हो चुका है, मैं बताऊं आपको, देश के हर एक जिला में जिला प्रशासन को बोल दिया गया है कि कोई भी मकान मालिक यदि किराया मांगता है या किराया देने के लिए परेशान करता है तो उस मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उन्हें जेल के अंदर रखा जाएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहीं रहिए, घर से मत निकलिए, सुरक्षित रहिए। अच्छा, जब लॉकडाउन 21 दिन का है तो 3 महीने के ये चीजें क्यों की जा रही है? मैं इस पर एक सवाल बनता हूँ कि क्या 3 महीने तक ये चीज जा सकती है? सवाल में जो पूछा आपने वो सवाल आपका गलत नियत को दर्शाता है, आपकी नियत जो है वो गलत दर्शाता है। 21 दिन का लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि सरकार को यह उम्मीद है कि 21 दिन में इस बीमारी को रोकथाम हम कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए ये महामारी का रूप लेती है तो हो सकता है 10-5 दिन बढ़ाना पड़ जाए, तो सरकार सब कुछ मान के चल रही है। तो अभी तो 21 दिनों का हमने लॉकडाउन किया है, 21 दिन में देख लेते हैं कि क्या, यदि हम
100% हम संभाल लेते हैं तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो हमें तैयारी तो ज्यादा करके चलनी पड़ती है किसी भी सरकार के लिए, जब युद्ध होता है, जब अच्छा जो वेंटिलेटर की इतनी भारी कमी है देश में उसको कैसे पूरा कर रही है सरकार? किसकी? वेंटिलेटर की। भाई साहब आप वेंटिलेटर पर क्यों चढ़ना चाहते हैं मुझे ये बताइए। ये कोरोना बीमारी आपके पास खुद नहीं आएगी, आप नीचे जाएंगे बाहर निकल के इसको बुला के कर लाते हैं, तो आप बीमारी को बुलाइए ही मत, तो आपको वेंटिलेटर पर चढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जान बुझ के वेंटिलेटर में घुसना चाहते हैं, अब क्यों वेंटिलेटर पर चढ़ना चाहते हैं भाई? मैं चाहता हूँ आप घर पे बेड पे रहे, आप चाहते हैं कि वेंटिलेटर पर चले जाए, अब वेंटिलेटर पर जाने का सोचिए मत। ये बीमारी अपने आप आपके पास नहीं आएगी, ये बीमारी को आप बुला के लाते हैं, आप अंतर समझिए। तो वेंटिलेटर का सवाल तब उठता है जब आप जानबूझ के बाहर जाते हैं बीमारी को बुलाने के लिए। मैं तो चाहता हूं आप बीमारी को बुलाने के लिए मत जाएं, अब घर में आराम करें, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म जी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने बहुत सारी चीजें की और लोगों को आपने समझाया भी कि घरों में रहें, सेफ रहें, और आपसे बात करके अच्छा लगा। और जल्दी हम कल भी अपडेट बात करेंगे, रेगुलर बात करेंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिलहाल आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और आसपास भी माहौल बना के रखिए, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। तो बात करते रहेंगे लगातार ऐसे ही। और लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे जी? लोगों से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देने वाला मैं कौन होता हूँ? भारत की जनता से कुछ कहेंगे? देखिए भारत की जनता सब समझदार है, हर घर के बच्चे समझदार हैं। मेरे घर में एक 6 साल की बच्ची है आश्रिता मिश्रा, वो दिन में 10 बार हाथ धोती है और मुझे भी बोलती है कि हाथ धोइए। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी यही कहते होंगे, इसलिए हाथ धोइए, साफ सुथरा रहिए, घर में पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।